नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मितेश सोनी और आप देख रहे हैं M2S कार इन्फो। दोस्तों आज हमारे साथ है टाटा की हैरियर, मॉडल है प्योर प्लस मॉडल, कलर है प्रिस्टीन वाइट कलर, प्योर प्लस मॉडल है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसमें सनरूफ आपको नहीं मिलने वाला है। तो इसका हम रिव्यू करेंगे, जानेंगे इसके ऑन रोड प्राइस और क्या कुछ इसमें फीचर्स दिए गए। सबसे वैल्यू फॉर मनी मॉडल रहने वाला है जिनको सनरूफ नहीं चाहिए उनके लिए, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। बाकी अगर आप गोधरा के आसपास से कहीं से भी है तो आप यहाँ पे गोधरा में ज़रूर आएगा पार्थ ऑटो कार्स में, यहाँ पे आपको सारी गाड़ी देखने को मिल जाएगी, टेस्ट ड्राइव वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, कर का भी टेस्ट ड्राइव आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो आप यहाँ पे ज़रूर आइएगा। यहाँ पे मैं आपको इसका एड्रेस और फ़ोन नंबर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे आके एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा, सर्विस भी आपको यहाँ पे अच्छी खासी मिलने वाली है। बाकी वीडियो में आगे बढ़ते हैं, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करेंगे इसकी कीज से, तो कुछ इस तरह की यहाँ पे की दी गई है, लॉक का बटन, अनलॉक का बटन, हेड लैम्प ऑन करने का बटन और बूटन लॉक का बटन दिया गया है। हेड लैम्प और DRL यहाँ से ही ऑन हो जाएंगे और यहाँ से ही ये ऑफ हो जाएंगे। फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे टाटा का लोगो जो कि नया वाला है, पियानो ब्लैकनेस में ग्रिल जो कि काफ़ी बड़ी है, नीचे आपको यहाँ पे भी पियानो ब्लैकनेस में स्ट्रिप मिल जाएगी पूरे बम्पर पर फैली हुई। नंबर प्लेट की प्लेसिंग नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बॉक्स, ये सेंसर एडास का सेंसर आता है लेकिन ये खाली है, इसमें आपको एडास नहीं मिलेगा इस वेरिएंट में, तो ये सिर्फ यहाँ पे दिया गया है। बड़ा एडम मिलेगा, सिल्वर आपको यहाँ पे बम्पर मिल जाएगा, स्पीड प्लेट आगे की। हेडलैम्प की बात करें तो LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाएगा जो कि वाइट रहेंगे। फॉग लैम्प आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलेंगे और यहाँ पे भी पियानो ब्लैक फिनिश का यूज़ किया गया है। बेहतर एरोडायनामिक्स के लिए यहाँ पे आपको थोड़ी सी स्पेस दी गई है। DRL आपको यहाँ पे कनेक्टिंग मिल जाएंगे, टर्न इंडिकेटर्स यहाँ पे मिल जाएंगे जो कि आपको LED मिलेंगे, यहाँ पे भी आपको पूरा पियानो ब्लैक फिनिश का यूज़ मिलेगा। एक बार वाइपर चेक कर लें तो आपको यहाँ पे प्रीमियम क्वालिटी के एरोट्विन वाइपर दिए गए जिसकी कॉस्ट लगभग नॉर्मल वाइपर से 2 से 3 गुना होती है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो ये था कुछ इसका फ्रंट, अभी हम चलेंगे गाड़ी के साइड में। यह है गाड़ी का साइड। साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको 17 इंच के टायर्स मिलने वाला है। एक बार टायर साइज चेक कर ले, 235/65R17 यानी कि 17 इंच के आपको यहाँ पे टायर्स मिलने वाले हैं। आपका आप इसका टॉप एंड वेरिएंट लेते हैं ब्लैक एडिशन में, डार्क एडिशन में, तो 19 इंच के मिलेंगे, बाकी आपको हर एक वेरिएंट में 18 इंच के मिलेंगे, इस वेरिएंट में आपको 17 इंच के मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे अलॉय दिए गए जो कि पुरानी हैरियर में आते थे, सबसे पहले जो लॉन्च हुई थी वही डिज़ाइन को कैरी यहाँ पे किया गया है। आगे डिस्क ब्रेक मिल जाएगी, पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिल जाएगी, यहाँ पे क्लैडिंग यहाँ से शुरू तो पूरी गाड़ी में पीछे की तरफ फैली हुई है। यहाँ पे हैरियर की बैजिंग जो कि क्रोम फिनिश में मिलेगी। यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश में ORVM जो कि ऑटो फोल्ड और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल रहने वाले हैं। यहाँ पे टर्न इंडिकेटर, यहाँ पे रूफ रेल्स मिल जाएगी ऊपर आपको ब्लैक कलर में, स्टार्क फिन एंटेना जो कि पियानो ब्लैक फिनिश में मिलेगा। सनरूफ इस वेरिएंट पे नहीं है तो आपको नहीं मिलने वाला है। डोर हैंडल लॉक आपको बॉडी कलर मिल जाएगा, रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा, पीछे भी आपको बॉडी कलर डोर हैंडल मिल जाएगा। यहाँ पे फ्यूल कैप दिया गया है, फ्यूल टैंक की कैपेसिटी 50 लीटर की रहने वाली है, 50 लीटर डीजल आप यहाँ पे डलवा पाएंगे। यहाँ पे भी आपको क्लैडिंग का यूज़ मिलने वाला है। तो ये था कुछ इसका साइड, अभी हम चलेंगे गाड़ी के पीछे की तरफ। यह है गाड़ी का रियर। रियर की सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे स्पॉइलर मिल जाएगा जो कि बॉडी कलर मिलेगा, आईमोन टच स्टॉप लैम्प, वॉशर की प्लेसिंग, वोकल फॉर लोकल की बैजिंग, डीप वगैरह आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलेगा, रियर वाइपर मिल जाएगा, जंगल सफारी की थीम मिल जाएगी और यहाँ पे भी आप पियानो ब्लैक फिनिश का यूज़ देख सकते हैं। बेटर लुक देने के लिए यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश का यूज़ किया गया है। बाकी नीचे आपको यहाँ पे टाटा का लोगो, रिवर्स पार्किंग कैमरा, हैरियर की यहाँ पे बैजिंग जो कि क्रोम फिनिश में मिलेगी। नीचे आपको यहाँ पे 2 पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे, बाकी जो इसका बम्पर है वो ब्लैक मिल जाएगा और स्कीड प्लेट है वो आपको सिल्वर कलर में मिल जाएगी। बाकी एक बार इसका जो टेल लैम्प है उसकी बात करें तो यहाँ पे आपको एक बार ऑन करके देख लेते हैं, कनेक्टिंग LED टेल लैम्प्स मिल जाएंगे जो कि आपको पूरे बम्पर बोनेट पे बम्पर पे फैला हुआ है। यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स दिए गए हैं, नीचे आपको ब्रेक लाइट मिल जाएगी और रिवर्स लाइट यहाँ पे मिल जाएगी और साथ ही साथ में आपको रिफ्लेक्टर भी मिल जाएगा। यहाँ पे भी आप स्पेस देख सकते हैं बेहतर एरोडायनामिक्स के लिए। एक बार इसका बूट जो है उसे ओपन कर लेते हैं, चूँकि यहाँ से ओपन हो जा तो ये बूट ओपन हो चुका है। 445 लीटर का बूट स्पेस यहाँ पे आपको दिया गया जो कि काफ़ी बड़ा है। पार्सल ट्रैप को इस वेरिएंट में नहीं मिलेगा, एक बार यहाँ पे देखें तो सब वूफर यहाँ पे नहीं मिलेगा, प्लेसिंग दी गई है लेकिन सब वूफर नहीं दिया गया। इसके नीचे एक बार चेक करें तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। यहाँ से आप अपना जो आप स्पेयर टायर है उसे अनलॉक कर पाएंगे। स्पेयर टायर मैं आपको एक बार दिखा दूँ तो नीचे आपको यहाँ पे स्पेयर टायर दिया गया है जो कि आपको स्टील व्हील मिलने वाला है। 60-40 स्प्लिट सीटें मिल जाएगी, तो इसे स्प्लिट करते हैं तो काफ़ी सारा सामान आप यहाँ पे रख पाएंगे अगर 2 जने ट्रैवल करते हैं तो। तो यह है कुछ इसका बूट, अभी हम चलेंगे गाड़ी के आगे की तरफ।
यह है कुछ इसका फ्रंट डोर। फ्रंट डोर में आपको यहाँ पे ड्यूअल कलर मिलने वाला है, ब्लैक एंड ग्रे। यहाँ पे आपको फैब्रिक का यूज़ मिलने वाला है, सॉफ्ट ये रहेगा। डोर एंड अनलॉक सिल्वर एसेंट का यूज़। यहाँ पे चारों पावर विंडो के अप एंड डाउन बटन, चारों ऑटो अप डाउन यहाँ पे दिया गया है, चाइल्ड लॉक यहाँ पे दिया गया है। हैंडल यहाँ पे सिल्वर एसेंट का यूज़। नीचे आपको 1 लीटर बटन की स्पेस, यहाँ पे भी थोड़ी स्पेस, और यहाँ पे अम्ब्रेला होल्डर दिया गया है। स्पीकर की प्लेसिंग, इस कार में आपको 6 स्पीकर साउंड सिस्टम मिल जाएगा विद 2 ट्विटर्स। यहाँ पे ओवरव्यू का कंट्रोल दिया गया है, और नीचे आपको यहाँ पे पडल लैंप्स दिए गए, तो पीछे पता चलेगा कि यहाँ पे ये प्रॉपर लैंप है, सिर्फ रिफ्लेक्टर नहीं है, आप देख सकते हैं, तो अच्छी बात है। बाकी सीट्स की बात करें तो फैब्रिक अपोल्स्ट्री यहाँ पे दी गई है, ग्रे कलर में मिलेगी। कुशनिंग यहाँ पे काफ़ी बढ़िया। हाइट एडजस्टमेंट, रिक्लाइन और स्लाइडिंग यहाँ पे आपको तीनों मिल जाएगा। एक बार आपको दिखा दूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको तीनों यहाँ पे मिल जाएगा। तो अभी हम चलेंगे अंदर और बात करेंगे इंटीरियर की। हम आ चुके हैं गाड़ी के अंदर। सबसे पहले बात करें स्टेयरिंग व्हील के बारे में, तो यहाँ पे आपको 4-स्पोक डी का स्टेयरिंग व्हील दिया गया है, जो कि टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों मिलने वाला है, और ये आपको लेदर मिलेगा। तो सेकंड बेस मॉडल से आपको यहाँ पे लेदर इट ऑफर किया गया है, तो काफ़ी अच्छी बात है। बाकी यहाँ पे आपको सिल्वर एसेंट का यूज़ मिलने वाला है। एक बार जो क्लस्टर है उसे ऑन कर लेते हैं, और ये भी जो इसका इनिमेटेड लोगो है उसे ऑन कर देते हैं। एक बार क्लस्टर आप चेक कर ले, तो कुछ इस तरह से ये वेलकम करने वाला है। फुली डिजिटल क्लस्टर मिलने वाला है। क्लस्टर की बात नहीं यहाँ पे करूँगा, पहले स्टेयरिंग व्हील की बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं अभी ये ऑन हो चुका है। यहाँ पे कॉल रिसीव कट करने का बटन, यानी कि मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए, वॉइस कमांड, ब्लूटूथ वगैरह के यहाँ पे बटन दिए गए। टाटा का लोगो जो कि लिमिटेड रहेगा। एयरबैग की प्लेसिंग, इस कार में आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिल जाएंगे, यानी कि हर एक वेरियंट में आपको यहाँ पे 6 एयरबैग दिए गए। यहाँ पे हॉर्न की प्लेसिंग, क्रूज कंट्रोल के ऑप्शन यहाँ पे दिए गए, और यहाँ पे इसका जो क्लस्टर है उसे यहाँ से एडजस्ट कर पाएंगे, यानी कि ब्राइटनेस वगैरह भी यहाँ पे इसे एडजस्ट यहाँ पे कर पाएंगे। यहाँ पे वाइपर्स के कंट्रोल्स दिए गए हैं, हेडलाइट्स के कंट्रोल, जो कि आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक नहीं मिलने वाला है। एक बार मैं दिखा दूँ आपको, ये ऑटोमेटिक नहीं मिलेंगे इस वेरिएंट में। बाकी क्लस्टर एक बार दिखा दूँ जूम करके, तो 10.25 इंच का क्लस्टर मिलने वाला है। काफ़ी बढ़िया इसकी क्वालिटी है। RPM मीटर, जो कूलेंट का टेम्परेचर है वो यहाँ पे स्पीड वगैरह शो करेगा, फ्यूल वगैरह शो करेगा। बाकी इसमें आपको TPMS यानी कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग भी दिया गया है, डिस्टेंस टू एम्प्टी वगैरह सब कुछ यहाँ पे, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी सब कुछ यहाँ पे शो करेगा। सिटी मोड में भी कार लगी हुई है। यहाँ से एक बार चेंज करके मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ से चेंज होगा तो यहाँ पे स्पोर्ट मोड, स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, इकोनॉमी ड्राइव मोड, जो कि यहाँ से ये दोनों बटन से चेंज होगा। तो कुछ इस तरह का क्लस्टर मिलेगा। जूम करके एक बार दिखा दूँ, क्वालिटी यहाँ पे क्लस्टर की काफ़ी बढ़िया है। साइड की बात करें तो यहाँ पे एसी वेंट, सिल्वर एसेंट का यूज़, यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन, यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश का यूज़ देख सकते हैं आप, फिंगरप्रिंट आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप लेमिनेशन ज़रूर करवाएगा अगर आप हैरियर लेते हैं। तो मैंने कार बुक कराई है, तो उसमें भी मैं जो भी पियानो ब्लैक फिनिश है उसके ऊपर PPF या लेमिनेशन में यहाँ पे करवाने वाला हूँ। यहाँ पे ग्रे कलर दिया गया है, जो कि हार्ड प्लास्टिक है। नीचे एक बार आपको दिखा दूँ तो 3 पैडल्स मैनुअल ये कार है। बाकी फ्यूल कैप ओपन करने के लिए यहाँ पे बटन नहीं दिया गया है, हुड ओपन करने के लिए यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे नहीं है, दूसरी जगह पे फ्यूल कैप ओपन करने के लिए दिया गया है। सेंटर की बात करें तो डैशबोर्ड आप देख सकते हैं, हार्ड प्लास्टिक का यूज़ सभी जगह पे, प्लास्टिक की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया। यहाँ पे 10.25 इंचेस की टच स्क्रीन, एक बार क्वालिटी चेक कर ले, क्वालिटी यहाँ पे काफ़ी बढ़िया आप देख सकते हैं, अच्छी वाली क्वालिटी यहाँ पे दी गई है। बाकी क्या कुछ ऑफर किया गया वो बात कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया, यानी कि ऑटोमेटिक एसी मिलेगा, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिलेगा, जो कि वायरलेस रहने वाला है। बाकी आप देख सकते हैं पार्क असिस्ट वगैरह के ऑप्शन, तो काफ़ी कुछ यहाँ पे ऑफर किया गया है। इसकी जो ऑडियो क्वालिटी है मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा, तो आप वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। नीचे 2 AC वेंट, वहाँ पे एक तो 4 AC वेंट मिल जाएंगे, और यहाँ पे आप सिल्वर लाइन देख सकते हैं जो कि यूज़ की गई है। बाकी यहाँ पे सारे टच कंट्रोल्स दिए गए हैं, ये थोड़ा सा ऊपर है तो टच करने में यहाँ पे आसानी होती है, नेक्सन वगैरह में थोड़ा सा नीचे होता है, तो आपको थोड़ा सा यूज़ टू होना पड़ेगा। बाकी इसमें आपको टाइम नहीं लगने वाला है। हेजल लैम्प का बटन, बूटन लॉक के लिए लॉक ऑन लॉक का बटन, बाकी सारे एसी के कंट्रोल दिए गए, फैन एडजस्ट करने के लिए, टेम्परेचर एडजस्ट करने के लिए दिया गया, और पूरा पियानो ब्लैक फिनिश वहाँ तक जाता है। यहाँ पे ग्रे कलर का यूज़। नीचे चार्जर्स दिए गए हैं, टाइप ए और टाइप सी। टाइप सी आपको 45 वाट का मिलेगा फास्ट चार्जर। यहाँ पे सारे मोड दिए गए हैं, रफ मोड, सैंड मोड और वेट मोड, तो यहाँ से इसे कर पाएंगे आप एडजस्ट। गियर नॉब, 6-स्पीड ट्रांसमिशन, यहाँ पे लेदर एट का यूज़, यहाँ पे सिल्वर एसेंट का यूज़, यहाँ पे भी सिल्वर एसेंट का यूज़ मिलने वाला है। तो अभी आप देख सकते हैं पहले जो हैरियर आती थी वो काफ़ी यहाँ पे बाहर रहता था, ये अभी मुझे अंदर लग रहा है मेरे हिसाब से, तो ये मुझे टच नहीं हो रहा है, मेरे पैर आप देख सकते हैं यहाँ पे लगे हुए, और यहाँ पे भी इतनी जगह रह रही है। तो पहले यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टच होता था, पता नहीं सुधर किया नहीं।
बाकी यहाँ पे हैंड ब्रेक जो कि पुरानी हैरियर में आती थी वही कैरी की गई है, क्योंकि यह लोअर मॉडल है तो काफ़ी कुछ इसमें से लिया गया है। यहाँ पे कप होल्डर दिए गए हैं, आर्मरेस्ट आपको इस वेरिएंट में मिल जाएगा जो कि फैब्रिक रहेगा। एक बार वो भी आपको ओपन करके दिखा दूँ तो कुछ इतनी स्पेस मिलने वाली है। यहाँ पे भी चार्जर दिए गए, 3 12 वाट का चार्जर, यहाँ पे टाइप ए और यहाँ पे टाइप सी दिया गया है। ग्लो बॉक्स आपको एक बार दिखा दूँ तो कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे ग्लो बॉक्स मिलने वाला है। काफ़ी बड़ा ग्लो बॉक्स है, काफ़ी सारा सामान आप यहाँ पे रख पाएंगे। यहाँ पे हल्का सा ग्रे कलर का यूज़ मिलेगा। IRVM की बात करें तो आपको यहाँ पे डे एंड नाइट IRVM दिया गया है। पैसेंजर एयरबैग ऑन ए ऑफ यहाँ पे शो करेगा। रीडिंग लैम्प जो कि वाइट कलर में मिलने वाला है। वैनिटी मिरर चेक करें तो ड्राइवर साइड कोई भी वैनिटी मिरर नहीं मिलेगा। को ड्राइवर साइड भी आपको यहाँ पे कोई भी वैनिटी मिरर ऑफर नहीं किया गया है। तो यह कुछ इसका फ्रंट। एक बार ट्विटर की प्लेसिंग भी दिखा दूँ, यहाँ पे ट्विटर दोनों साइड दिए गए हैं। तो यह कुछ इसका फ्रंट। अभी हम चलेंगे गाड़ी के पीछे की तरफ। आगे की जो सीट है वो मेरी हाइट के अकॉर्डिंग मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, तो एक बार थोड़ा सा आगे पीछे करके देख लेते हैं। तो ये हो चुके हैं मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट, थोड़ा और पीछे करना पड़ेगा। तो अभी ये हो चुकी है मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट। मेरी हाइट है 5'6", तो उस हिसाब से मेजर कीजिएगा। चलिए पीछे चलते हैं और चेक करते हैं कि क्या कुछ स्पेस लेगरूम हेडरूम मिलता है। यह है कुछ इसका रियर डोर। रियर डोर में भी आपको यहाँ पे ड्यूअल कलर सेटअप दिया गया है। हार्ड प्लास्टिक का यूज़, यहाँ पे सॉफ्ट टच जो कि फैब्रिक मिलेगा। सिल्वर एसेंट का यूज़, यहाँ पे हैंडल, यहाँ पे सिल्वर एसेंट का यूज़, पावर विंडो अप एंड डाउन का बटन। नीचे आपको यहाँ पे स्पेस दी गई है तो मोबाइल अपना आप ज़रूर रख पाएंगे। तो ये मुझे काफ़ी पसंद आता है टाटा मोटर्स के लिए। 1 लीटर बॉटल रखने की स्पेस और यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस दी गई है स्पीकर की प्लेसिंग। बाकी एक बार सिटिंग पोजीशनिंग देख ले, कुछ इस तरह की आपको सिटिंग पोजीशनिंग मिलने वाली है। चलिए चलते हैं अंदर और चेक करते हैं कितना स्पेस आपको मिलेगा। तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिलेगा क्योंकि गाड़ी काफ़ी लंबी है, 4.5 मीटर लेंथ है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेस मुझे मिल रहा है, अच्छी तरीके से फैल के मैं बैठ पा रहा हूँ। थाई सपोर्ट चेक कर ले तो थाई सपोर्ट भी काफ़ी बढ़िया वाला। हैरियर है तो आपको स्पेस के मामले में तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हेडरूम चेक कर, जैसे कि देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया हेडरूम भी काफ़ी मुझे अच्छा वाला मिल रहा है। तो स्पेस के मामले में गाड़ी काफ़ी बढ़िया है, मैं यहाँ पे अच्छे नंबर यहाँ पे इनको देना चाहूँ। बाकी सेंटर की बात करें तो यहाँ पे आपको सिल्वर एसेंट का यूज़, फ़ोन अपना चार्जिंग के वक्त रख पाएंगे। चार्जिंग के पॉइंट्स दिए गए 2, टाइप ए और टाइप सी। हम्प आपको यहाँ पे अच्छा खासा मिल जाएगा, लेकिन स्पेस काफ़ी है तो अच्छे यहाँ पे अच्छी तरीके से पैसेंजर जो है वो बैठ पाएगा। बाकी एसी वेंट आपको यहाँ पे पिलर्स पे दिए गए दोनों साइड, उस तरफ भी और इस तरफ भी। दरवाज़ा मैं क्लोज़ कर दे रहा हूँ, बाहर की नॉइस ना आपको मिले। हैंडल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे एक, वहाँ पे एक और वहाँ पे एक, तो 3 आपको हैंडल्स मिल जाएंगे। पीछे भी आपको यहाँ पे रीडिंग लैम्प दिया गया है जो कि आपको वाइट कलर में मिलेगा। सीट्स आपको दिखा दूँ तो फैब्रिक सीट है ग्रे कलर। आर्मरेस्ट आपको नहीं मिलने वाला है रियर। यहाँ पे आपको एडजस्टेबल 2 हेडरेस्ट और आगे भी आपको 2 हेडरेस्ट मिल जाएंगे। बीच में आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे अगर फिक्स हेडरेस्ट मिल जाता तो काफ़ी अच्छी बात थी। टाटा की हर एक गाड़ियों में बीच में आपको कोई भी हेडरेस्ट नहीं मिलता है, तो अगर ये मिलना शुरू हो जाए तो काफ़ी प्रैक्टिकली ये रहेगा, क्योंकि गाड़ी काफ़ी बड़ी है, वाइड है, तो 3-4 लोग आराम से आ जाएंगे इसमें। यहाँ पे आपको डार्क ग्रे का यूज़ मिलेगा हेडरेस्ट में और यहाँ पे आपको लाइट ग्रे का यूज़ मिलने वाला है। बाकी सीट बेल्ट आपको मिल जाएंगे 3, 1 और यहाँ पे 2, 3 सीट बेल्ट मिल जाएंगे। पीछे से आप बूट एक्सेस कर पाएंगे क्योंकि पार्सल ट्रे है नहीं। पीछे से एक बार व्यू देख ले, कुछ इस तरह का व्यू मिलने वाला है। तो ये था कुछ इसका रियर। अभी हम चलेंगे गाड़ी के आगे तरफ और चेक करेंगे इसकी ऑडियो क्वालिटी। चलिए अब चेक कर लेते हैं इसकी ऑडियो क्वालिटी। इसमें आपको 6 स्पीकर साउंड सिस्टम मिल जाएगा जिसे मैं प्ले कर दे रहा हूँ। तो जैसा कि आपने सुना, क्वालिटी यहाँ पे काफ़ी अच्छी है। इसे मैं 8 out of 10 ज़रूर देना चाहूँगा। डिसेंट क्वालिटी है, शोरूम पे जाके आप एक्सपीरियंस ज़रूर कीजिएगा। अब चलते हैं गाड़ी के बाहर और बात करते हैं प्राइस वारंटी वगैरह की। अब है वीडियो का लास्ट पार्ट। सबसे पहले बात करें वारंटी के बारे में तो इसमें आपको 3 साल और 1 लाख किलोमीटर की वारंटी मिल जाएगी। इंजन की बात करें तो इसमें आपको 2 लीटर का क्रायोजेट डीजल इंजन मिल जाएगा जो कि 4 सिलेंडर रहने वाला है। पावर आउटपुट की बात करें तो इसमें आपको 168 BHP की पावर और 350 Nm का टॉर्क मिल जाएगा। माइलेज की बात करें तो हैरियर डीजल में आपको 16.8 KMPL का माइलेज मिलेगा जो कि कंपनी क्लेम करती है। बाकी ड्राइवर के हिसाब से ये माइलेज वेरी करेगा। अभी बात प्राइजेस की, दोस्तों इसकी जो एक्स शोरूम प्राइस है वो रहेगी 18,19,000 रुपये, यानी कि 18,90,000 रुपीज़। और इसकी ऑन रोड प्राइस रहेगी
20,76,000 रुपये, यानी कि 20,76,000 रुपीज़, जो कि शोरूम के हिसाब से वेरी करेगी। तो आप यहाँ पर ज़रूर आइएगा, अच्छा खासा आपको यहाँ पर प्राइस मिल जाएगा, तो एक बार शोरूम पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। बाकी सेफ्टी रेटिंग की बात करें तो इस कार ने ग्लोबल एनसीबी क्रैश टेस्ट में और भारत एनसीबी क्रैश टेस्ट में 5 out of 5 स्टार स्कोर की है, तो नो डाउट सबसे सेफेस्ट कार ही है ये इंडिया की, तो सेफ्टी में इसको फुल 5 स्टार मिले हुए हैं। ये थी हैरियर प्योर प्लस, कलर था प्रिस्टीन वाइट कलर। आपको ये कार कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा, और वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।